Welcome learners, welcome on CLAT 11 CBSE Commerce with us. So here this is our channel. Our today's topic is cash book. Today we are going to discuss about cash book again, part 4. Here's a quick introduction about myself. I'm Ruchi Dubal. I have done MBA, MCOM and BEd and I have 6 years experience in teaching. So let's crack the channel. What you will get here on an academy, आपको an academy पे बच्चों क्या-क्या facilities जो मिलने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा brief में discussion करेंगे, उसके बाद में हम अपने topic start करेंगे, okay? So first you will get here daily live classes, आपको यहाँ पे daily live classes मिलने वाली है, जो आपको school के classroom में जो facility मिलती है बच्चों attend करने की, अपने teachers के साथ बात करने की, अपने teachers के साथ discussion करने की, same वही facility आपको यहाँ पे जो live classes है उसमें मिलेगी. You can chat with your educator, you can engage in discussions, you can ask your doubts, okay? So it is like कि आप बिल्कुल एक पूरी class में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आपके कई सारे friends बनेंगे, आप जिनसे आपस में भी check कर सकते हो, ठीक है? और जो second thing आपको फायदा मिलने वाला है यहाँ पे, वो मिलने वाला है live test देने का और quiz देने का. तो live test और quiz देने का सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसका benefit होगा कि आपका कोई टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, ठीक है, वो टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर हुआ है, उसमें और कितनी की तैयारी की जरूरत है, वो सब आपको चीजें किससे पता लगेंगी, टेस्ट देकर के और क्विजेस अटेंड करके. स्ट्रक्चर कोर्सेज अन अकेडमी पे बच्चों आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का कोर्स आपको अवेलेबल होगा, वो सबका सब स्ट्रक्चर्ड होगा, इन द सेंस पूरा वेल प्लान्ड होगा, आपके सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ होगा, ठीक है? तो आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी आपको मिलेगी. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि यहाँ पे सपोज कोई भी इमरजेंसी आती है कभी किसी दिन, तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो आप सोचोगे कि भाई अब क्लास गई, एक दिन की क्लास गई, अब मेरा सारा जो टॉपिक है वो बीच में रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों. आपको अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि जो क्लास आपने स्किप कर दी है उसका आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, किसी भी रीजन से आपकी पढ़ाई जो है वो छूटेगी नहीं बीच में, ठीक है? तो रिकॉर्डेड कोर्सेज देख करके आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, आप किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, और नॉट इवन किसी भी डिवाइस से बल्कि किसी भी जगह पे आप हो तो वहां पे अगर आपके पास में अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप इनका फायदा उठा सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है? अब बच्चे बात आती है एडुकेटर्स पे, ठीक है? तो यानी इतनी सारी जो आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है वो आपको किसके थ्रू मिलेगी? आपको मिलेगी जो टॉप के एडुकेटर्स है इंडिया के, उनके थ्रू आपको क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, उनके थ्रू आपको अपने नॉलेज को एनहांस करने का मौका मिलेगा. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट के इतने सारे एडुकेटर्स मिलेंगे कि अगर कोई एक टॉपिक आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी एक एडुकेटर के थ्रू अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे किसी और पे स्विच कर सकते हो, ठीक है? आप किसी और एडुकेटर से दूसरा टॉपिक समझ सकते हो, तीसरा किसी और एडुकेटर से समझ सकते हो. तो इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे अन अकेडमी पे, जो आई थिंक तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जैसे आप अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाओगे, है ना? कभी उस पूरे सिलेबस में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप ये बोलोगे कि नहीं ये टॉपिक मुझे नहीं आता है. क्यों? क्योंकि आपने सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो सारा का सारा सिलेबस है आपको सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ मिलेगा, ठीक है? आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करो तो आपको यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे सारे के सारे सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हुए होंगे, मिलेंगे, ठीक है? अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा? आपको किसी भी अपनी स्ट्रीम में अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उससे रिलेटेड आपको डिस्कशन है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी बच्चों आप हमसे जुड़ सकते हो, t.me/quest11cbsecommerce, ये हमारा पूरा लिंक है, इसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो, कोई क्वेरी है कुछ भी है तो यू कैन आस्क, ओके?
Now, what are the subscription cost? अब बात आती है subscription cost की कि क्या रहेगा subscription cost? इतनी सारी जो facilities आपको मिलने वाली है बच्चों बहुत ही आपको बिल्कुल भी expensive नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत ही easy आपको मिल जाएगा सब कुछ. क्या रहेगा आपका जो subscription cost है वो 24 months का है, 22,500 रुपीज, ठीक है. और इसमें सबसे बड़ा benefit पता है क्या, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे that is रुचि लाइफ, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको जो ये 22,500 इस पे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, यानी अब आपका जो अमाउंट है वो 10% लेस होकर के आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. और वन ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो 13,500 रहेगा, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज रुचि लाइव, यू सी एच आई रुचि एंड एल आई वी ई लाइव. ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. आज का हम टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, जो कल मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, तो आज मैं एक और क्वेश्चन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का करवा रही हूँ. और उसके अलावा आप लोगों को बताऊंगी बच्चों कि ये जो है आपको अभी तक अपन ने क्या किया, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया था, अगर बैंक से रिलेटेड एंट्री भी आ जाती, लेकिन अगर दो बैंक से रिलेटेड एंट्री आ जाती, सपोज करो कोई दो बैंक के बारे में आपको डिटेल दे दी है, तो आप कैसे एंट्री करोगे, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है और हमारा काम ही आप लोगों की हेल्प करना है, ठीक है. इसलिए मैंने एक क्वेश्चन वैसा भी लिया है ताकि आपको अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको कर सको, आपके मार्क्स जो है वो उसमें कट ना हो, ठीक है. तो चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं. आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कैश बुक विद बैंक कॉलम ऑफ भारती लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. अभी आपको कैश बुक बनानी है, ठीक है, विद बैंक कॉलम. कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ठीक है. कैश इन हैंड का कैसे ट्रीटमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है. तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं आज. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. कैश इन हैंड आपको 2,20,000 दे रखा है, यानी 2 बैलेंस बीडी 1st अप्रैल 2020, अप्रैल 1st 2 बैलेंस बीडी कितना, 2,20,000, ठीक है. कैश में तो इतना दे रखा है, बैंक का अपन के पास कोई भी अमाउंट नहीं है. फिर ओवरड्राफ्ट दे रखा है 60,000. अब मैंने क्या बताया था, ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, बाय बैलेंस करके आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है. बाय बैलेंस बीडी करके इसको शो करना पड़ेगा कितना, 60,000, और बैंक वाले कॉलम में, यानी इसका पहले से पिछले महीने से इसका ओवरड्राफ्ट चलता आ रहा है, तो इस साल भी शायद इसका ओवरड्राफ्ट जो है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अप्रैल 1st बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, और बैंक वाले कॉलम में आपके आ जाएंगे कितने रुपीज, 60,000 रुपीज. क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया, हाँ, 60,000 रुपीज आई एम राइटिंग देयर. चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. डिपॉजिटेड इन बैंक, अब पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, मैंने क्या बोला था, जब पैसा आप डिपॉजिट करवाओगे बैंक के अंदर तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री करते हो, है ना, यानी बैंक पे भी इफेक्ट कैश पे भी इफेक्ट, दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, तो कौन सी एंट्री हो जाती है आपकी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी 80,000 से अप्रैल 3 को. अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 80,000 और अप्रैल 3 को बाय बैंक अकाउंट और कैश वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 80,000. क्लियर, कैश लिखा है तो बैंक वाले कॉलम में एंट्री, बैंक लिखा है तो कैश वाले कॉलम में एंट्री, बस और कुछ नहीं. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे, सी लिखना कॉन्ट्रा एंट्री वाला, तो बस ये जो ट्रांजेक्शन है इसके आगे एलएफ वाले कॉलम में अपन छोटा सा सी लिख देंगे सर्कल करके, ताकि पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट चेक, यानी गुड्स जो परचेस्ड किए हैं किसके, उसके बदले में क्या मिला है, चेक मिला है 34,000 का, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, बाय परचेज और बैंक वाले कॉलम में 34,000 अप्रैल 4, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में 34,000.
कैश परचेज हुई है अब 16,000 की, कैश परचेज हुई नहीं बाय परचेज अकाउंट, और कैश वाले कॉलम में 16,000 अप्रैल 7 को, अप्रैल 7 अगेन बाय परचेज अकाउंट, कैश वाले कॉलम में 16,000 और बैंक वाला कॉलम जो है नील आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पेड कमीशन बाय चेक, कमीशन जो है वो पे किया है, कमीशन पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, कमीशन पे करोगे और किसके थ्रू पे किया है आपने, चेक के थ्रू, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे, यानी कैश बुक में अपन क्या एंट्री करेंगे, बाय कमीशन करके एंट्री करेंगे और बैंक वाले कॉलम में 12,000 रुपीज, ठीक है। तो कैश बुक में अप्रैल 8 बाय कमीशन अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में 18,000 रुपीज, 18,000 का ही है ना, 12,000, ठीक है। हाँ, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अभी पैसा निकाला है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्रॉइंग्स हो गया बाय ड्रॉइंग, और बैंक वाले कॉलम में 2500, क्योंकि पैसा किससे निकाला है, बैंक से निकाला है, तो अप्रैल 9 में अपन एंट्री करेंगे बाय ड्रॉइंग्स करके, अप्रैल 9 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और कितना रुपया निकाला है बैंक से, ड्रॉइंग अकाउंट निकाला है 2500, तो बैंक वाले कॉलम में 2500 से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम वेद, वेद से पैसा रिसीव हुआ है, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे, यानी 6,000 रुपए वेद से रिसीव हुआ है, तो पहले रिसीव होने की एंट्री करते हैं, वेद से पैसा मिला यानी कैश अकाउंट डेबिट टू वेद, और कैश बुक में अपन क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे टू वे, कितना मिला 6,000 रुपीज, ठीक है। तो टू वे 6,000 रुपीज, और कौन सी डेट को मिला है, ये 12th अप्रैल को, तो अप्रैल 12 में अपन ने लिखा 6,000 रुपीज। अभी ये तो सिर्फ पैसा मिलने की एंट्री की है, इसके आगे इसने कुछ ट्रांजेक्शन भी दे दिया है कि हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है, यानी आधा पैसा उसमें से बैंक में जमा करवा दिया, 6,000 का हाफ 3,000 आपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में पैसा जमा करवाया, डिपॉजिटेड 3,000 रुपीज इनटू बैंक, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश हो जाएगा 3,000 से, इट मींस कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है, है ना। तो अपन इसकी एंट्री क्या करेंगे, टू कैश करके बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, टू कैश बैंक वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, और बाय बैंक अकाउंट और कैश वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, और बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री तो वी हैव टू राइट हियर सेम डेट, डेट में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि उसी दिन सारा काम हो रहा है, ठीक है। और एक चीज जो हमें लिखनी है कॉन्ट्रा एंट्री वाली, सी, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं एंट्री, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो है बैंक कलेक्ट कर रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एंट्री क्या बनेगी, बैंक के पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कैश वाले कॉलम में, कैश बुक में टू इंटरेस्ट, और बैंक में जाएगा 14,000 रुपीज, है ना, 16th अप्रैल, अप्रैल 16 टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में आपके जाएगा 16,000 रुपीज, कितना अमाउंट है 14,000, ओके एक सेकेंड बस, इट्स 14, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स हुई है, कैश सेल्स एंट्री क्या होगी, टू सेल्स 42,000 कैश में 20th अप्रैल को, अप्रैल 20 टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज से एंट्री हो जाएगी, सेल्स कितनी हुई है आपकी 42,000, तो कैश वाले कॉलम में 42,000 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है, बैंक वाला कॉलम निल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पे की है, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी पे कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है ना, तो बाय सैलरी करके लिखेंगे 40,000 अप्रैल 22 बाय सैलरी अकाउंट कितना 40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता, गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, सोना एंड कंपनी को माल बेचा है, नेम पार्टी नेम इज गिवन बट द वर्ड कैश इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल नॉट कम इन द कैश बुक, नॉट एंटर, ठीक है। रिसीव चेक डेटेड 3rd May 2020 फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। अब अप्रैल 23 को चेक मिला है 3rd May वाला, पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक की अभी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो इसकी भी एंट्री हम क्या है नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन को इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है, 6 42 83 14 11 500, ठीक है, 16 3 40। चलो बच्चों अब इसका अपन निकाल लेते हैं बैलेंस, ठीक है, आपको सबसे पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा, अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कैश बुक का हमें कभी भी वो बैलेंस नहीं आएगा, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, तो इसका टोटल क्या होगा 2,68,000, ठीक है, ये भी फिर 2,68,000 हो गया, माइनस करोगे तो आपका पास बैलेंस सीडी जो आपका निकलेगा वो 1,29,000 का निकलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा क्रेडिट साइड जो है वो ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, इसका मतलब बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, इसका टोटल कितना हुआ 1,08,500, यानी अब हमें यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करना पड़ेगा, अप्रैल 31 टू बैलेंस सीडी, और कितने रुपीज से बैलेंस हो जाएगा इसका, इसका बैलेंस आपके पास हो जाएगा 11,500 से, यानी अभी भी 11,500 बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है ना। अब अपन को करना है ट्रांसफर अप्रैल 30, अब अपन को ट्रांसफर करना है मई 1, यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी कितने रुपीज, 1,29,000 कैश में, ठीक है। ऑलरेडी ये जो बैलेंस सीडी ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आई एम राइटिंग हियर बैंक ओवरड्राफ्ट, सो कंफ्यूज नहीं हो इसमें, ठीक है, तो दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अब ये आपको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करना पड़ेगा मई 1 में बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, कितने रुपीज ओवरड्राफ्ट में चले जाएंगे 11,500, चलो पहले यहाँ पे 60,000 चले आ रहे थे, अब 11,500 हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी बैलेंस तो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट का, यानी अभी भी ये पैसा जो है वो चुकाना है बैंक को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको ओवरड्राफ्ट वाला, तो अब ओवरड्राफ्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो होप आप लोग को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी का था बेसिकली, अगर कुछ कम पड़ जाती स्लाइड, बट हो चुका। मोर देन वन बैंक अकाउंट, अब उस कंडीशन में जब एक से ज्यादा आपके पास बैंक अकाउंट होंगे तो आप क्या करेंगे, इफ अ फर्म हैज मोर देन वन बैंक अकाउंट बैंक कॉलम इज सुटेबली अमेंडेड टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शंस थ्रू डिफरेंट बैंक सेपरेटली, ठीक है, अलग से आपको अलग अलग बैंक के कॉलम बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू बैंक अकाउंट्स
one with the State Bank of India and one with the PNB, Punjab National Bank of India. The bank columns on debit side as well as credit side shall be as follows. ठीक है, same performer रहेगा, बस आपको जो bank column है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक एसबीआई का अकाउंट और एक पीएनबी का अकाउंट, क्योंकि ट्रांजैक्शंस दोनों के अकॉर्डिंग चलेगी, एसबीआई के अकॉर्डिंग भी और पीएनबी के अकॉर्डिंग. सेम जो डेबिट साइड में किया है वही सेम आपको किस में करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, एक एसबीआई एक पीएनबी अकाउंट. बस बैंक को पार्टीशन करना है, बैंक को आपको अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं, बाकी कैश वाला एलएफ वाला डेट पर्टिकुलर्स दे विल बी सेम. करेक्ट. तो अभी इसका क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और समझ में आ जाएगा. ठीक है, कैसे करना है इसको. अब देखो कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड आपको कितना दे रखा है, 8500 रुपीस. कैश इन हैंड अपन को दे रखा है 8500. अब बैंक बैलेंस भी दे रखा है और ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है. बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो 25,000 और पीएनबी का ओवरड्राफ्ट दे रखा है 17,500. ठीक है, तो चलो अब इसका अकाउंट बनाते हैं. ये देखो यहाँ पे इसका अकाउंट बना हुआ है, तो अपन इसको करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन, क्वेश्चन समझ में आएगा. मार्च फर्स्ट में आपको दे रखा है टू बैलेंस बीटी 8500, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्च फर्स्ट टू बैलेंस बीटी कितना 8500. ठीक है, बैंक बैलेंस एसबीआई का दे रखा है 25,000, तो टू बैलेंस बीडी में ही एसबीआई वाले कॉलम में अपन बैंक बैलेंस लिख लेंगे 25,000. पीएनबी का इसने ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो मार्च फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी और पीएनबी वाले कॉलम में लिखेंगे कितना दे रखा है इसने ओवरड्राफ्ट, 17,500. तो यहाँ पे आ जाएगा 17,500 रुपीज. ठीक है, क्लियर हुआ इतना सबको. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स हुई है 7,000 टू सेल्स अकाउंट मार्च 3, सिंपल ट्रांजैक्शन है मार्च 3 टू सेल्स अकाउंट कितनी हुई है सेल्स 7,000 की, तो कैश वाले कॉलम में 7,000, बाकी दोनों में डैश. पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई, सैलरी पे की जा रही है, ठीक है, चेक के थ्रू और एसबीआई बैंक अकाउंट है. ठीक है, तो बाय सैलरी और एसबीआई वाले कॉलम में 10,000, मार्च 5 बाय सैलरी अकाउंट और एसबीआई वाले कॉलम में 10,000. क्लियर हुआ. चलो, चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद पीएनबी, अभी जो चेक रिसीव्ड हुआ था अनिल से वो डिपॉजिट हो गया पीएनबी में. ठीक है, तो कितने का चेक रिसीव्ड हुआ था अनिल से, अनिल से चेक रिसीव हुआ 9,000 का, सेम डे ही डिपॉजिट हो गया, तो अनिल से पहले चेक रिसीव करने की एंट्री कर लेते हैं. अनिल अकाउंट को क्या करेंगे, अनिल से चेक रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल करेंगे, है ना, तो टू अनिल करके टू अनिल और पीएनबी का चेक था, तो 9,000 रुपीज पीएनबी वाले कॉलम में चले जाएंगे. और डेट क्या थी इसकी, डेट है आपके 8 मार्च 8. ठीक है, टू अनिल अकाउंट करके ये एंट्री हो जाएगी. नेक्स्ट देखो, कैश डिपॉजिटेड इन टू एसबीआई, कैश जो है वो डिपॉजिट हुआ है एसबीआई में, एसबीआई में पैसा जमा हुआ है, यानी वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी टू कैश करके एसबीआई वाले कॉलम में 5,000 रुपीज मार्च 10 को, टू कैश अकाउंट और एसबीआई वाले कॉलम में 10,000 रुपीज. 10,000 है, 5,000 है, 5,000, सॉरी, तो 5,000, लेट मी टेक द इरेजर. हियर 5,000 विल कम एसबीआई वाले में. ठीक है, और यहां पे मार्च 10
बाय बैंक और कैश वाले कॉलम में 5,000 रुपीज, ठीक है। और कौन सी एंट्री है, बैंक में पैसा जमा कराना कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो सी लिखा यहाँ पे हमने। अभी देखो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है एसबीआई से पीएनबी में, ठीक है, एसबीआई से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है पीएनबी में, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, पीएनबी में पैसा आ रहा है तो पीएनबी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एसबीआई, है ना, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। 3,000 रुपए से दोनों बैंक इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों में पैसा जा रहा है, ठीक है, एक से निकला दूसरे में चला गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ये ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा कराया जा रहा है, तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी 3,000 से, यानी टू एसबीआई करके पीएनबी वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, टू एसबीआई अकाउंट और पीएनबी वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, और यहां पे आ जाएगा आपके बाय पीएनबी अकाउंट एसबीआई वाले कॉलम में 3,000 रुपीज, ठीक है। और दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री, सो वी विल राइट सी हियर, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कैश विड्रू फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से पैसा निकाला यानी बैंक से पैसा निकाला जा रहा है ऑफिस यूज के लिए, कैश बैंक से निकालोगे पैसा तो फिर कितने रुपए क्या एंट्री करोगे, पैसा निकाला बैंक से कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे, यानी टू बैंक करके 8,000 रुपीज लिख लें अपन, टू एसबीआई, टू एसबीआई 8,000 रुपीज कैश वाले कॉलम में एंड बाय कैश अकाउंट और एसबीआई वाले कॉलम में 8,000 रुपीज, ठीक है। डेट क्या रहेगी, डेट अपन ने दोनों की ही नहीं लिखी, मार्च 12 एंड मार्च 15, दिस इज मार्च 12, दिस इज मार्च 15, अगेन दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, तीन तीन कॉन्ट्रा एंट्री है इस क्वेश्चन में, चलो अब अपन ट्रांजेक्शन जो फिनिश हो चुके हैं, अब अपन को इसका बैलेंस करना है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, कैश वाली साइड का तो कभी भी आपका आएगा नहीं डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो बाय बैलेंस सीधी लिखना पड़ेगा मार्च, अभी सिर्फ मार्च 15 तक की एंट्री कर रही है, लास्ट में इसका बैलेंसिंग कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा कैश वाले कॉलम में, इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है हमारे पास 23,500, माइनस करेंगे उसमें से 5,000 तो आपके पास आएगा 18,500, ठीक है। एसबीआई वाले कॉलम का टोटल है 25,530,000, इसका बैलेंसिंग करोगे तो आएगा 10 और 3 13, 13 और 8 21, तो माइनस करोगे तो आएगा 9,000, ठीक है। अब क्योंकि जो पीएनबी वाला कॉलम है उसका ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो उसका क्रेडिट साइड में तो बैलेंस आ ही नहीं सकता, है ना, 17,500 का क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है, मार्च 15 को ही। अब पीएनबी का कैसे निकलेगा, 9 और 3 12, 12 में 12,000, 17,500 में से 12,000 माइनस करोगे तो आपके आएगा 5,500 रुपीज, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस ट्रांसफर करने का, भी मार्च 15 को लास्ट एंट्री हुई है तो मार्च 16 को ट्रांसफर करोगे तो
टू बैलेंस बीडी कितना 27,500 कैश का, 30,000 आपके एसबीआई का, और जो बाय बैलेंस सीडी, इट मींस मार्च 16 को 5,500 रुपए जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है ये, ठीक है? यानी पहले 17,500 था, 5,500, होप नेक्स्ट मंथ जब ये बनेगा तो जो ओवरड्राफ्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, है ना? चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें अगर दो बैंक्स के बारे में दे रखा हो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो दोनों बैंक्स के बारे में आप किस तरह से क्वेश्चन करोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। कौन सा क्वेश्चन क्या अभी तक अपन ने किया? एक तो ओवरड्राफ्ट वाला, दिस वन, एंड टू बैंक्स, इफ देयर इज वन मोर देन वन बैंक अकाउंट इज गिवन देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू ट्रांजेक्शंस, ठीक है? सो दिस इज द वे दैट वी हैव, वी विल डू ट्रांजेक्शंस इफ टू बैंक अकाउंट्स आर गिवन, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन मैं चाह रही हूँ लेना, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है उसमें। दिस वन, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या चीज कह रहा है ये, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई। ऑफ अप्रैल 2020 पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट्स, ठीक है? इनको पोस्ट करना है लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स सिंपल सी जो एंट्री से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेजर अकाउंट में किस तरह से पोस्ट करना है, वैसे आप पोस्ट कर लीजिएगा। अभी अपन बनाएंगे इसकी कैश बुक, ठीक है? कैश बुक किस तरह से बनानी है, ऑलरेडी देखो ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है और कैश इन हैंड भी दे रखा है, ठीक है? 14,000 एंड 13,200। तो अप्रैल 1 टू बैलेंस बीबी फोर्टीन थाउजेंड ओवरड्राफ्ट 13,200, यानी बाय बैलेंस बीबी दे रखा है 13,200 बैंक ओवरड्राफ्ट अप्रैल 1। वेजेस पे की है 1,400, बाय वेजेस अप्रैल 4 बाय वेजेस अकाउंट 1,400, सॉरी 1,400 कैश वाले कॉलम में, बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। कैश सेल्स दे रखी है बच्चों आपको 17,000 की, टू सेल्स 17,000 अप्रैल 5, अप्रैल 5 टू सेल्स कितनी दे रखी है 17,000, ठीक है? परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, अब देखो राहुल से गुड्स खरीदे हैं कोलकाता फॉर 15,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड इन 7 days। अगर 7 दिन में अगर ये पे करता है तो इतने पे उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों, ठीक है? परचेज गुड्स की है राहुल से, तो बच्चे अभी तो राहुल से गुड्स को परचेज करना, इट मीन्स क्या शो कर रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को क्या हम एंटर करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक आगे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो जाती, दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो वी विल नॉट एंटर इन द कैश बुक, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज, तो बाय फर्नीचर अप्रैल 9 में लिख दू, अप्रैल 9 बाय फर्नीचर
माय फर्नीचर अकाउंट, और कितने रुपीस से परचेज किया है फर्नीचर? 10,000। ठीक है, 10,000 से बाय फर्नीचर करके एंट्री कर दी। अब आगे क्या कह रहा है, कैश पेड टू रोहित ₹5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,100। रोहित को पैसा चुकाया है, ठीक है, रोहित को पैसा चुकाना, इसका मतलब बाय रोहित करके एंट्री करेंगे, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, रोहित को पैसा चुकाया, रोहित ने अब हम क्या किया, डिस्काउंट मिला है हमें ₹100 का, तो उसकी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बाद में करेंगे, रोहित से जो मिला है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, कैश पेड टू रोहित ₹5,000, यानी बाय रोहित ₹5,000 अप्रैल 10, अप्रैल 10 बाय रोहित कितने रुपीज से, 5,000 रुपीज। इशू चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, अब राहुल को से जो परचेज किया था उसको अपन ने चेक इशू कर दिया है, पूरा सेटलमेंट हो चुका है, यानी 7 दिन के अंदर अंदर ही हो गया, 7 तारीख को परचेज हुई थी, 10 तारीख को पेमेंट कर दिया है, तो 7 दिन के अंदर अंदर हो गया, इसका मतलब अब डिस्काउंट भी दिया जाएगा, कैश भी और ट्रेड डिस्काउंट भी। तो पहले 15,000 का 20% करके देख लो, 15,000 इंटू 20% कितना आएगा, 12,000, 12,000 पे आप निकालोगे 2% कैश डिस्काउंट, तो आपका आएगा 11,260 रुपीज। ठीक है, 11,760, नॉट 200, इट 700। ठीक है, तो एंट्री क्या करोगे, चेक इश्यू कर रहे हो राहुल को, राहुल को चेक मिल रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, अप्रैल 13 एंट्री क्या करेंगे, राहुल को अगर चेक मिल रहा है तो राहुल इज अ रिसीवर, तो राहुल अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक करेंगे, यानी बाय राहुल करके अप्रैल 13 बाय राहुल 11,760 रुपए अपन लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, चेक डिसऑनर्ड हो गया, अब राहुल के चेक जो इश्यू किया था वो डिसऑनर्ड हो गया, किसी भी रीजन से डिसऑनर हो सकता है, और डिसऑनर हो गया तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, वाइस वर्सा, यानी अभी अपन ने बैंक को डेबिट करना पड़ेगा वापस, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल करना पड़ेगा, है ना, तो एंट्री क्या करेंगे, टू राहुल करके एंट्री करेंगे अप्रैल 13 को, टू राहुल अकाउंट, ठीक है, और कितना बैंक में जाएगा, 11,760 रुपए। ये कौन सी एंट्री है, डिसऑनर वाली एंट्री है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों जगह 11,760 क्यों लिखा है, एक तो एंट्री उसको चेक इश्यू किया था उसकी की थी, और एक एंट्री जो उसका चेक डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश सेल्स हुई है 4,500 की, टू सेल्स अकाउंट 4,500 अप्रैल 13 को, कितनी हुई है 4,500। ठीक है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे, ठीक है, बैंक पैसा चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है अप्रैल 16 को, इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, और बैंक चार्ज कर रहा है टू बैंक, यानी बाय इंटरेस्ट करके एंट्री करेंगे, 500 रुपीज जाएगा बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, कौन सी डेट को, अप्रैल 16 को, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपए जाएंगे बैंक में। डिपॉजिट करवाया पैसा बैंक के अंदर, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी टू कैश अप्रैल 18 7,000, टू कैश और बैंक वाले कॉलम में 18,000,
बाय बैंक कैश वाले कॉलम में 18,000। कौन सी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सी लगा दिया। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक के थ्रू टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ, यानी बाय टेलीफोन बिल करके लिख दूँ। एक्सपेंसेस एंटर अप्रैल 20 बाय टेलीफोन बिल। कितने रुपीज से टेलीफोन बिल है आपके? टेलीफोन एक्सपेंसेस 600 से बैंक वाले कॉलम में, ठीक है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹23,500 टू विकास एंड रिसीव चेक इन सेटलमेंट डिपॉजिटेड सेम डे अलाउड डिस्काउंट 500। अभी गुड्स सेल किए हैं 23,500 के, ठीक है, विकास से, लेकिन ₹500 डिस्काउंट अलाउ कर दिया क्योंकि चेक उसी दिन जमा हो रहा है बैंक के अंदर, ठीक है। तो ₹500 डिस्काउंट हो गया, यानी विकास से ट्रांजेक्शन आपका कितने का हुआ? 23,000 का, ठीक है। तो टू सेल्स करके लिखेंगे 23,000 बैंक अकाउंट में अप्रैल 25 टू सेल्स अकाउंट ठीक है, 23,000 बैंक वाले कॉलम में। उसके बाद में ये क्या कह रहा है बच्चों? रेंट पे किया है बाय रेंट ₹800 कैश वाले कॉलम में अप्रैल 27। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग किया है बाय ड्रॉइंग्स ₹1,000। ₹1,000 से एंट्री कर देंगे। पेड सैलरी बाय सैलरी ₹2,000। इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है बैंक के थ्रू, बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया। और क्या एंट्री करेंगे? टू इंटरेस्ट, यानी कैश कैश बुक में टू इंटरेस्ट अकाउंट करके 2500 बैंक वाले कॉलम में अप्रैल 30 टू इंटरेस्ट बैंक वाले कॉलम में 2500, ठीक है। चलो अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? टोटल करो इसका 17,000 प्लस 4,500 कितना आएगा? 35,500। माइनस करो इसमें से ये वाला अमाउंट, तो इसका टोटल आएगा 8,000, यानी बैलेंस जो बच रहा है वो 8,300 का हो रहा है, ठीक है। अब ये साइड आपका ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी शो कर रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो ये ज्यादा ही आएगा, 44,260, ठीक है। अप्रैल 30
यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी लिखा था, वहां टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी और कितने अमाउंट से बैलेंस आएगा? अच्छा एक सेकेंड, टोटल करके देख लेते हैं पहले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं कि ओवरड्राफ्ट है तो इसी का बैलेंस है, इक्वल भी हो सकता है ना। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं, इक्वल है कि नहीं है इसका। टू थाउजेंड 8300 और 11760 18000 अप्रैल 18 डिपॉजिट इन टू बैंक 7000 था बच्चे, अपन ने इसमें मैंने 8000 लिख दिया है, इट इज 7000। ओके 7000 इट इज, दिस इज ऑल्सो बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ तो लेट मी डू द कैलकुलेशन, 60 23000 2500 देन 13200 11760 500 600। ठीक है तो बच्चा आपका जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 44260 और यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका जो बैलेंस बचा है 18200। ठीक है दोनों साइड्स का टोटल करोगे तो इक्वल आ जाएगा 44260। ठीक है तो आगे उसको अप्रैल मई फर्स्ट में लिख करके ट्रांसफर कर सकते हो टू बैलेंस बीडी करके, अभी तक का जो भी करवा रहे हो सारा वैसे ही सेम करना है। ये वाला अमाउंट जो है वो आगे जाके ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी में। ठीक है कौन सा 8300 वाला और आपका 18200 वाला। ठीक है ये दोनों अमाउंट जो है बैलेंस सीडी वाले वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर तो ये आज का क्वेश्चन था। सो ओवरड्राफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो होप आपको ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बैंक वाले भी दो दो बैंक कॉलम्स जिसमें होते हैं वो क्वेश्चंस भी हमने कर लिए तो वो भी आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है कल की क्लास में कुछ अलग क्वेश्चंस और करेंगे अपन, उससे रिलेटेड कैश बुक से और बाकी सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर वॉचिंग मी। यू विल आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है बच्चे आपको उसमें जो गूगल फीडबैक फॉर्म है उसको प्लीज जरूर उसको फिल करना है आपको और उस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सबसे ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है। ठीक है आपको सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट मैंने बताई थी, आपको देखो यहाँ पे भी दे रखा है रुचि लाइव करके कोड, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उस पर आपको 10% जो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर वॉचिंग मी, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिएगा ठीक है एंड डू स्टडी। थैंक यू बाय बाय टेक केयर।